हेलो एवरीवन। तो आपने जैसे टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का जो है पूरा ब्लॉक होने वाला है। और ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले का वीडियो है। मेरी नंद आई थी मुझे राखी बांधने के लिए। हमारे यहाँ पर भैया और भाभी दोनों को राखी बांधा जाता है, तो उन्होंने मुझे रक्षाबंधन के एक दिन पहले राखी बांधी थी। और राखी में मेरे हस्बैंड फिर वहीं चले गए थे, मतलब मेरे ससुराल में चले गए थे और मैं अपने मायके में थी। तो फिर उन्होंने वहाँ पर राखी बंधवाई थी और मैंने यहाँ पर अपने भाई को राखी बांधी थी। मेरे नंद के दो बेटे हैं तो उनको ही आज जो है मिष्टी राखी बांधने जा रही है, और मेरी नंद जो है मुझे और मेरे बेटे को राखी बांधेगी। पहले क्या किया था? पहले टीका लगाया जाता है, बस एक दादा के लिए भी राखी भेज देना। ओके, थ्री टाइम, बहुत छोटा सा, बिल्कुल हल्का सा। हाँ दीदी, चावल हटा दो। नहीं, प्रटेंड नहीं करो तुम उसके साथ। नम नम, आरती उतार दो। बस 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 बस, छोड़ दो छोड़ दो। पता है मम्मी। तुम्हें पता है, वो मुझे पता है। मेरे पैसे दीदी। बस फाइनली 2000। फाइनली 2000। तो अपने सो रहा है उसको। तुम क्या खाओगे? चॉकलेट खाओगे कि ये चॉकलेट? मना पैच वो बुआ के। अरे ये माधव, अरे वीडियो बटन दबाना। फोटो वीडियो खींच लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से स्टाइलिश विद नीतू। तो आज जो है, आज का जो ब्लॉग है वो आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ये रक्षाबंधन के ऊपर है। और लास्ट ब्लॉग भी जो था मेरा रक्षाबंधन पे था, आपने देखा था। उस समय मैं बैंगलोर में थी, इस समय जो है मैं कानपुर में हूँ। और यहाँ पर जो है मेरा भाई आया है राखी बंधवाने के लिए। वो दिल्ली में रहते हैं, मेरे भाई और भाभी दोनों वो दिल्ली में रहते हैं। वो यहाँ वहाँ से यहाँ पर आए हैं राखी बंधवाने। तो आज जो है वही सब कुछ होने वाला है और ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं होगा एज यूजुअल, जैसे कि आपको मालूम है। तो यस, अभी जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब जो है मैं राखी बांधने जा रही हूँ। यहाँ पे क्या चल रहा है? राखी बांध रही हूँ मैं। ये देखो मेरी एक और बहन जो मेरी रक्षा करेंगी। ये देखो। हैप्पी रक्षाबंधन। हाय, बढ़िया हूँ। अभी हम लोग बहुत खुश रहते हैं, आज पैसे मिलते हैं ना। हाँ चलो, अच्छा है। ये हम लोग भी बांधते हैं ना। अच्छा हाँ, क्योंकि पहले भाई नहीं था मेरा। राइट, क्योंकि ये भी उसकी रक्षा करती है, वो भी उसको प्यार करती है। और ऐसा कोई भी चीज नहीं जो भैया कर सकता और बहन नहीं कर सकती है। कैमरा भी नहीं चाहिए। आप ये देख के प्रिपेयर कर सकते हो, अपना सामान रख के मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, रख लो, तुम आ लो आराम से। अरे फोटो खींच लो इनके और मनन का राइस। मनन का राइस है? नहीं हैप्पी। दीदी को भी खिलाओ, दीदी को मनन, दीदी को खिलाओ। अब दीदी पैच हो, पैच हो दीदी के। अब दीदी को गिफ्ट दे दो, जो लाया आप। चलो हग ईच अदर। ये मनन, यू टू टाइट हग। ये फोटो अच्छी खींचनी है पहली बार। आज बहुत ज्यादा अच्छे लगने चाहिए ना। चलो वहाँ की दीदी, आपको कम मेकअप करना चाहिए था। मैंने किया ही नहीं, मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। आपको किया ही नहीं है मैंने। हम्म,
नहीं लगाया ऐसा। ये अच्छा है मिलके। इतना सीधा दिखा रहा है क्योंकि ये जाएगा ब्लॉग में। कोई भी बात नहीं, सारी पसंद आएगी। ये भी अच्छी लग रही है, मुझे ये भी अच्छी लग रही है, सारी अच्छी। ये तो मुझे याद ही नहीं था कि वो अच्छा हुआ मैंने पिंटू को राखी भेज दी पहले। अब देखो मैं सीखी चौक उठा बड़ा भारी गिफ्ट है। देखो मैं अब देख नहीं सकती हूँ कितना बड़ा है। आप देख लो इधर साइड से। मैंने देखो तो एक गाड़ी है। मरन को सब पता रहता है। मरन पहले देख लिया। देख रहा था। मरन आप और क्या? ये कलर मेरे पे अच्छा लगता है। बहुत। दीदी पहन लेती है तो कितना अच्छा लगता। बट तुम पहले ही नहीं आया। देखो साड़ी। अच्छी लग रही है बहुत। राखी वगैरह हमने सबने बांध ली है जैसे कि आपने देख लिया है। अब जो है मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत 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 लेट हो गया है। बैठे बैठे सडनली हम लोग का प्लान बन गया नानी के यहाँ जाने का। मनन भी जाएगा ना? मनन भी जाएगा। इसको कहीं नहीं जाना होता, ये सोचता है बस घर में बैठे रहो, कहीं नहीं जाना होता है। तो भारी होता थी और बाल में बांध रखा है। सही गजब। हम लोग तो मतलब कुछ तैयार ही नहीं होते। हम अपनी नानी के यहाँ पहुँच चुके हैं एंड सुबह आपने देखा कि घर में हम लोगों ने राखी जो है सेलिब्रेशन किया और सडनली जो है प्लान बन गया कि नानी के यहाँ पर चलते हैं। और कानपुर से मेरी नानी का घर करीबन 40 किलोमीटर जो है वो दूर है, बट रास्ता बड़ा ख़राब होता है। मतलब वन वे जो है वो रहती है, उसकी वजह से ना रास्ता बड़ा ख़राब होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और यहाँ पे अभी हम 6 बजे पहुँचे हैं, एक घंटे करीबन रुकेंगे, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। क्या लगा नानी? नमस्ते भाई। अरे आओ तो, अरे आओ। मौसी से कांटेक्ट है, इधर आओ। आओ आओ। कौन सी मौसी? कहाँ की मौसी? मिलती तो है नहीं। अच्छा पानी अब सही है, तबीयत ये मेरी नानी है, इनकी एज 100+ है और ये अभी भी अपने सारे काम खुद कर लेती हैं और इन्हें गॉसिप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हम लोगों ने बहुत देर तक जो है गॉसिप करी और यहाँ भी कर ही रहे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी ने अपने भाई और अपनी भाभी दोनों को राखी बांधी। और कितने बज गए हैं? शाम के बज चुके हैं 7। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, हालत ख़राब हो रही है, पसीने पसीने हो रही हूँ मैं एकदम। और ये लोग तो काले रह के सटे हो गए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिल गए थे तो हम लोग बात करते रहे और अब तो ध्यान दे रहा हो चुका है। और अब मैं सीधे कानपुर ही पहुँचूँगी और आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सेफ गर्ल रिस्पेक्ट वुमेन्स थॉट के साथ मिलते हैं। बाय बाय, लव यू।